भी। चलो जी, लेट्स स्टार्ट नाउ सेमिनार। आपका अलहमदुल्ला बहुत अच्छा रहा है, और अराउंड 40 to 50 पीपल जो से हमारे पास इस सेमिनार में मौजूद रहे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ ट्रायल क्लास। जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे वो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने से क्लियर नहीं होने चाहिए जब तक कि आपको फिजिकली ये चीज़ समझाई ना जाती कि क्लास में क्या चल रहा होता है। सो कम टूवर्ड्स योर फर्स्ट ट्रायल क्लास ऑफ करंट अफेयर, और इंशाल्लाह कल 9:15 बजे आपकी 9:15 से 10:15 आपकी फॉर्मली एक और भी ट्रायल क्लास होगी सर जैन के साथ। फिर हम क्लासेस जो सी आपकी वो ट्यूजडे से शुरू करेंगे ताकि मंडे तक आप लोग अपनी इनरोलमेंट कन्फर्म कर लें। तो बच्चे, करंट अफेयर जो आपका मेरे साथ सब्जेक्ट है, जिसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। नोट्स इस नोट्स में बच्चे जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस फॉर्म में किया जा रहा है, देख रहे हैं? ये वो डाटा है जो जीके का डाटा है, ठीक है? अब ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ से आपको बताएंगे। पास्ट पेपर सॉल्व इसमें शामिल है, ठीक है? इसी तरह आपका एक और जो आंसर है वो फाइल आपको दी जाएगी। जो कि ये फाइल है जो आपके सामने आ चुकी है, ये देखेंगे। अब ये वो डाटा है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कल न्यूज में था, ये वो चीजें वो हैं जो हम आपके लिए डेली अपडेट करवा रहे होते हैं। इसमें मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो आपके वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स के, आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के, और जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर मंथ हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। अप टिल नाउ एग्जाम जब भी आप दे रहे हैं उससे पीछे आपकी 6 to 8 months के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो वो आपको डाटा यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ कम टू इट्स लेक्चर के आपने इस डाटा को कवर कैसे करना है, ठीक है? फॉर डैट कम टू वर्ड दिस मैप। देखिए, करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि जब तक आपको इसका बैकग्राउंड ना पता हो, इसकी बेस ना पता हो, आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग करंटली ऑन दिस ग्लोब एंड अराउंड दिस कंट्री। फॉर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट दैट यू शुड नो इज कि हाउ वी आर गोइंग टू सेट पेपर एज एन एग्जामिनर। इन दैट सेंस वी विल डिवाइड दिस 15 मार्क्स और 15% वेटेज इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। वन विल बी योर नेशनल अफेयर, सेकेंड विल बी योर रीजनल अफेयर एंड थर्ड विल बी योर इंटरनेशनल अफेयर। कभी भी ये नहीं हो सकता बच्चों कि आपको सिर्फ नेशनल अफेयर का सवाल आ जाए और इंटरनेशनल का ना आए, और कभी भी ये भी नहीं मुमकिन कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल का आ जाए, नेशनल का ना आए, ठीक है? यानी कि अगर आपके 10 मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स को जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईच पार्ट, नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल जरूर आएंगे। उसके बाद जो बेसिक 2 डोमेन होंगी जो हमारे ऊपर लाजिम है पेपर बनाते हुए कि हमने फुलफिल करना है, दैट इज कि हमने करंट हैपनिंग्स को भी टच करना है और जीके को भी टच करना है। ये जो 2 नोट्स मैंने आपको अभी दिखाए, वन इज ऑफ योर करंट हैपनिंग्स, अदर इज ऑफ योर जीके। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले, क्योंकि करंट अफेयर है, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये तीनों एक ही चीज का नाम है, और इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने इस मैप को समझना है that how the global politics and how the global affairs in revolving currently. To understand that, first come and focus on Pakistan. Currently, we are sitting in Pakistan. और मैप को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है? सो हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस डायरेक्शन, इसके लिए जो शॉर्टेस्ट क्लू आपके पास है वो ये है कि आपने याद रखना है वी आर गोइंग टू स्कूल वाला वी, आपने वी के प्रिंसिपल पे पाकिस्तान की डायरेक्शन लिखनी है, यानी कि वी पाकिस्तान के ऊपर लिखने, आपकी जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट हो गई, वी इधर को लिखा जाएगा डब्ल्यू, राइट साइड पे ई लिखा जाएगा वो ईस्ट हो गई, अपर साइड आपकी नॉर्थ है, डाउनर साइड आपकी साउथ है, ठीक है? वी शुड नो दैट ऑन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान वी शेयर आर बॉर्डर विद ईरान एंड अफगानिस्तान, वॉट इज आर बॉर्डर लेंथ, ठीक है? वॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ आर रिलेशन, जस्ट लाइक अफगानिस्तान में अफगान पीस टॉक चल रही है उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसमें कोई रिसेंट हैपनिंग हुई है, जो हुई है, जो आपके पास इस एमसीक्यू में यहाँ मौजूद है, हमने वो यहाँ से कवर अप करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपके नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर दोनों में आएगा। जस्ट लाइक अगर आप कश्मीर की एग्जाम्पल लें, जो आप सबको पता है कि आपका उनका
एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू चल रहा है, तो क्वेश्चन आता है कि लाइन एलओसी पे वायलेशन कितनी दफा हुई, एलओसी कहते हैं किसको, ठीक है, कौन से आर्टिकल कश्मीर के बारे में जो अबॉलिश हुए, आर्टिकल 35A और 370, ठीक है, इनका हमें पता होना चाहिए, कब अबॉलिश हुए, 5 अगस्त 2019। इन रिटर्न आपने क्या किया, आपने 5 अगस्त 2021 में अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया, ठीक है। ये देखें इस तरह की चीजें हम साथ बोल के कवर करेंगे, मतलब यहाँ पे पूरे मैप में जहां भी हम जाएंगे हम वहां के जो अफेयर्स हैं उनको बोल के आपको बता देंगे ताकि वो करना आपके लिए मुश्किल ना रहे। आपके नॉर्थ में चाइना है, ठीक है, चाइना इज इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, करंटली पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इम्पोर्ट चाइना के साथ है, एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है। ये चीजें वो जो आप साथ साथ लिख रहे होंगे, और अभी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ट्रायल क्लास है, आपको बता रहे हैं कि चीजें कवर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सीपैक एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो ओबीओआर का पार्ट है, इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इन फर्दर क्लासेस। सीपैक के अंदर जो मेन तीन किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वन इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अदर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड थर्ड इज योर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। इनसे आपके एमसीक्यूज निकलते हैं कि ये कौन कौन सी यूनिट काम पे लग रही, उसकी क्या आउटपुट है, वो कब कंप्लीट हो रही है और उसका क्या एडवांटेज हो रहा है, ठीक है। और उसके आपके साथ नॉर्थ पे जो है वो आपका सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया इज अ बेसिकली लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज मेरे बच्चों उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनके चारों तरफ जमीन हो, कहीं भी उनके समुद्री रास्ता ना हो। आपको पेपर में सवाल इन लैंड लॉक कंट्रीज का ये भी आता है, लास्ट FIA के पेपर में सवाल आया हुआ है, देयर आर टोटल डैश लैंड लॉक कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। उसके बाद आपको सवाल जो कैपिटल्स का आता है, आप अक्सर देखेंगे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनके कैपिटल आपसे पूछे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमने इस पार्ट में से ये कवर करना है। आपके साउथ पे इंडियन ओशन, अरेबियन सी और गवादर है। गवादर इज अ डीप सी पोर्ट दैट यू परचेज फ्रॉम ओमान, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और हमने इसको ऐसे कवर अप करना है। सो द थिंग इज कि आप देख रहे हैं कि हम किस तरह चीजों को ऑर्गेनाइज वे में लेके चल रहे हैं। हमने पाकिस्तान से शुरू किया है, उसके बाद हमने सबसे पहले अपने रीजन को कवर करना। इस रीजन में से आपके 3 से 4 एमसीक्यूज बनने हैं, और अभी बोल के जो एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूँ वो एमसीक्यूज अगर आप देखें तो 10-15 एमसीक्यूज मैं आपको गिना चुका हूँ सीपैक को ऐड करके कि आपके ये एमसीक्यूज यहाँ इस रीजन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको डायरेक्शन देखने का तरीका बताया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई होप आप सबको क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो अगली क्लासेस में हो जाएगा। इस डायरेक्शन के बारे में मेरे बच्चों सवाल आपसे आता है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एरियल सी, इन सीज के बारे में, ठीक है, कि ये किस किस डायरेक्शन में मौजूद है। जस्ट लाइक आपको सवाल वो पूछता है, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ मेडिटेरियन सी डैश, तो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ पे यूरोप है, या वो यूरोप कह सकता है या स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री का नाम लिख के कह सकता है कि इन द नॉर्थ ऑफ मेडिटेरियन सी डैश, ठीक है। तो इस तरह हम इन सीज को, इनकी डायरेक्शन को कवर अप करेंगे। यकीन करें कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, यू कांट बिलीव कि अगर आप ये एक लेक्चर पूरी तरह दें, एक तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, दूसरा ये जो मैं आपको बोल की चीजें बता रहा हूँ ये वो चीजें कि आपके पेपर के 4 से 5 एमसीक्यूज हर पेपर के कंफर्म इस फर्स्ट लेक्चर से निकलेंगे। उसके बाद आप चले जाएं जनाब रशिया की तरफ। रशिया इज अ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल पावर। रशिया के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया में रशिया एंड चाइना, दीज आर टू कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद 13 कंट्रीज, ठीक है। अब रशिया के बारे में जो सवाल आपको आते हैं, दैट इज अबाउट देयर आइडियोलॉजी दैट इज नेम्ड एज कम्युनिज्म। टू अंडरस्टैंड दैट वी विल स्टडी कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड द ऑल डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड टू यूनिपोलर वर्ल्ड दैट वॉज रिवॉल्विंग इन 20th century, ठीक है। उसके साथ ये आपके बाल्टिक स्टेट्स है, ठीक है। अभी मैं आपको हर चीज को टच कर रहा हूँ, जस्ट एज कि हमने आधे घंटे में पूरा एक रिव्यू ले लेना है कि हम पढ़ कैसे रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड एज बाल्टिक स्टेट ड्यू टू बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक सी, इनके कैपिटल भी आपसे पूछता है। उसके बाद आपका यूरोप आ जाता है, ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वॉर जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल आपके लाजमन निकलते हैं कि वॉट इज कैपिटलिज्म, वॉट इज कम्युनिज्म, आइडियोलॉजी इज एन आउटकम, सॉरी डेमोक्रेसी इज एन आउटकम ऑफ डैश मल्टी, वो जो है आपका जो अल्लाह आपका भला करे जो इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने आपको दिया था, लेजेज फेयर इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म वाले, उनके बारे में सवाल आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। फिर यूरोप को स्टडी जब करेंगे तो यूरोप में देखेंगे यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। वन वॉज आपके जर्मनी को देखें तो एक को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी कहा जाता है। वन वॉज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सेकेंड वॉज अ पार्ट ऑफ कम्युनिज्म।
then we will see different alliances that were in the name of capital and the name of Sito, Cento, NATO. ये alliances जो capitalism वालों ने कायम किए और पूरी दुनिया में least developed countries को अपने साथ align किया. इस area में जो organization सरगर्म है उसका नाम European Union है. Brexit से पहले जिसके 28 member थे, Great Britain अलग हुआ 2013 के referendum के बाद, और presently there are 26 member in this European Union. फिर हम Atlantic Ocean को cross करेंगे, come towards America. America के बारे में 4 से 5 सवाल हैं. Just like जो बाइडन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो बाइडन प्रेजिडेंशियल हायरार्की में किस नंबर के हैं, ठीक है. उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट जो ट्रंप थे वो उन किस पार्टी से बिलोंग करते थे, टोटल कितने सेनेटर्स हैं, ये बेसिक क्वेश्चन ये हैं. 49 पैरेलल लाइन बॉर्डर है बिटवीन यूएस एंड कैनेडा, इसके बारे में सवाल आता है. कैनेडा की इमिग्रेशन पॉलिसी, वर्ल्ड फेमस इमिग्रेशन पॉलिसी 2021 जिसका नाम है, इसके बारे में आपसे सवाल आता है. उसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका की तरफ जाएं तो ये जो आपकी कंट्रीज हैं ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्री हैं, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन जो उनसे आता है उनके मोस्टली आंसर यहाँ से निकल रहे होते हैं. देन अगेन वी विल क्रॉस दिस अटलांटिक ओशन एंड कम टुवर्ड्स अफ्रीका. इन अफ्रीका वी विल स्टडी व्हाट आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, व्हाट आर डेवलपिंग कंट्री, व्हाट आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन दिस डेवलपमेंट हायरार्की, ठीक है. इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं खास करके ये जो आपके मेडिटेरियन सी के साथ साथ बिल्कुल मौजूद हैं आपके मेडिटेरियन सी के साउथ पे, इनका वो आपसे जॉन से पूछता है कि इनके कैपिटल क्या है, जस्ट लाइक माल्टा का कैपिटल आपके लास्ट एफआईए के पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है. तो ये बेसिक प्लेसेस हैं जहां से हमें पता है कि एग्जामिनर ने सवाल देना ही देना होता है, क्योंकि एज एन एग्जामिनर हमने भी वहां से उठाना होता है. और फिर सबसे बढ़ के हम आपको पास्ट पेपर का रिव्यू करवाते हैं, आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर दिए जाते हैं जिसको देख के ऑब्वियसली आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि चीजें कैसे कवर अप करनी है. फिर आपका मिडल ईस्ट का पार्ट आ जाता है, मिडल ईस्ट में ओआईसी एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है उसको हम स्टडी करेंगे. उसके साथ साथ जो कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में रही पहले कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की जो 1946 से लेकर 1991 तक रही, फिर प्रॉक्सी वॉर जो आपके अफगानिस्तान में हुई 1979 से 1991 तक, और उसके बाद जो कोल्ड वॉर का फेज इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस वॉर, सेक्टोरियल वॉर और कोल्ड वॉर जो आपका ईरान और सऊदी अरब के बारे में जारी है आपके मिडल ईस्ट में, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ से चक्कर पूरा करते करते पाकिस्तान के पास वापस आ चुके हैं. ये एक बेसिक आपको ग्लोब का मैंने चक्कर लगवाया जस्ट इन 15 मिनट्स, और मुझे खुद बताएं कि क्या ये 15 मिनट्स में जो आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, अगर ये आप खुद पढ़ने बैठे किसी किताब से निकाल के या मैं इसको खींचना चाहूँ तो किसी पे 4 लेक्चर नहीं आपके हो सकते. एक दिन मैं आपको कहूँ जी आपको हम पढ़ाएंगे आज एशिया पढ़ाएंगे, आज हम आपको अटलांटिक ओशन के उस पार पढ़ाएंगे, आज आपको यूरोप पढ़ाएंगे. The thing is कि we organize the thing in such a way that हमने उन चीज़ों को समेटा इस तरह है कि आपको समझने में भी आसानी हो, और खुद जो बुक से आप नहीं पढ़ सकते. देखिए अगर हमने आपको यही कहना है अच्छा ये लेक्चर हो गया अब इसके एमसीक्यू किताब से पढ़ के आना, तो फिर तो हमारा कोई फायदा नहीं, फिर किताब से तो आपने खुद भी पढ़ लेना था. हमारा फायदा कब है, जब हम आपको वो एक्यूरेट चीज़ें दे रहे हों कि बच्चे ये चीज़ें हैं इन्हें कवर अप करना है आपने, इस चीज़ में आपने एफर्ट नहीं करनी, इसमें करनी है. दिस इज वॉट एक्चुअली What required is, और जिससे आपका ये सिलेबस कवर अप होगा, ठीक है. तो ये एक 15 मिनट का चक्कर मैंने आपको लगवाया पूरी दुनिया का भी, 15 मिनट में पूरी दुनिया भी घूमी जा सकती है बच्चों. अलिश्मा बेटा कैसे लगे 15 मिनट में दुनिया को घूमना? थैंक यू अभी, थैंक यू मजर जी. सर बहुत अच्छा लगा. देखिए इस तरह काम होता है, ठीक है. अब इसको मैं अगर खींचना चाहूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आप कहना कि इस पर 6 लेक्चर देने, मैंने 6 भी दे लेने आप. लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो मैथ से होगा, और उस मैथ से इंशाल्लाह लजीज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, और जिस तरह ये मेरे फिंगर टिप्स में या आपके फिंगर टिप्स में होंगी. और यू कांट इमेजिन व्हेन आई वाज स्टूडेंट एंड सेटिंग एट योर प्लेस को आज से 12-13 साल पहले, तो मुझे करंट अफेयर की CSS के पहले लेक्चर के लिए पिछले 100 साल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी, फिर मुझे समझ आया था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है. तो इंशाल्लाह जो एफर्ट हमें करनी पड़ी हमारे बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह वी विल रेस्ट अश्योर दिस कि आपको हर चीजें अच्छी से क्लियर हो रही होंगी. जी महबूब कोई क्वेश्चन आपका बेटा? जी सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया कि 25 से 30 के करीब आपने कैपिटल करने हैं कंट्रीज के जी, तो सर जो कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये कितने कंट्रीज के करने हैं, क्योंकि सर इनमें वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए महबूब उसमें जो क्वेश्चन आपका आता है बेटा, हर चीज में हुई बात है पहले क्वेश्चन की सेंस को समझना. जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का पूछ रहा है वो उसका पूछेगा जिसके इलेक्शन लेटेस्ट हुए हैं,
जिसमें कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ, जस्ट लाइक इसराइल और उसमें जो आपका चल रहा है प्रेजेंटली, आपका इसराइल और पैलेस्टाइन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकग्नाइज किए, इनके अमीर का पता होना चाहिए हमें। और जो रिपीटिव क्वेश्चन आता है वो आता है यूएस के प्रेसिडेंट का, उसकी हायरार्की में जस्ट लाइक 47th प्रेसिडेंट है तो वो कौन है, उसका पूछा जाता है, ठीक है। ये सवाल चीजें हम आपको बताएंगे कि पूछी कहाँ से जाते हैं, हर जगह का वो नहीं पूछता। देखिए ना, एज एन एग्जामिनर हमारा भी एक माइंडसेट है, जब हम पेपर बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, हमारे सामने क्या क्या अफेयर्स होते हैं हमें पता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे होते हैं ना करंट अफेयर के सीएसएस पीएमएस के, उनको जो गेस्ट देते हैं कभी उससे भी पेपर बाहर नहीं गया। तो इंशाल्लाह ये बेफिक्र हो जाएं आप कि आपको टू दी पॉइंट एक्यूरेट चीजें देंगे जो आपसे पूछी जाएंगी। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले एक बताया, अभी कल की वो न्यूज है, वो देख के लिख लेना, अगर ना भी ज्वाइन करो तो याद रखना कि कैनेडा में जो सुप्रीम कोर्ट में पहला मुस्लिम जज आया, महमूद कुछ उनका नाम है, उनका जनाब आपसे पूछा जाना। 45 डेज बेटा बिल्कुल अनफ है, ये अनफ इसलिए है कि हमारा जो पैटर्न है जिससे हमने आपकी तैयारी करवानी, हमने आपके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह 45 डेज में ब्रेकअप किया होगा, तो वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। और रही बात तैयारी की, तो सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। जो थोड़ा सा ये आ गया, उसका नाम सैरिश बता रही है, महमूद जमाल उसका नाम है, गुड सैरिश, एक्सीलेंट सैरिश, हमारे स्टूडेंट है इस टाइम सीएसएस पीएमएस की। सैरिश अगर माइक आपके पास अवेलेबल है तो जरा यहाँ बच्चों को बताएं भी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इनके साथ। सैरिश के बाद लगता है माइक नहीं अवेलेबल, नहीं तो आपको बोल के बताती हूँ, सैरिश लिख के बता दें इन्हें ताकि जरा उनको थोड़ा सा ये भी पता चल जाए कि हाउ वी आर कवरिंग दीज थिंग। अब आ जाए नोट्स की जाने, आपको सारे नोट्स में दिखाने लगे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल सैरिश आ गई, आप तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जरा इनसे। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस अकेडमी के साथ मुंसलिक हूँ 1 साल से, और इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ इस अकेडमी से पाया है, और टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं कि आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में जो आपको लगे कि आप अभी हाई लेवल पे हैं और ये क्वेश्चन छोटे लेवल का है तो आप करना चाहें तो आप हेजिटेट फील करें, कभी आपको ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेलॉस इस अकेडमी अपने बच्चों को देती है, तो मेरा तो इस अकेडमी के साथ ताल्लुक कुछ स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी है, बिकॉज सर एक सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये मेरे मोहसिन हैं, ये मेरे इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह में भी, और बाकी जो टीचर्स हैं सर बिल्कुल दूर से उनसे पढ़ा है, तो इंग्लिश में जितनी वो छोटे लेवल से शुरू करते हैं ग्रास रूट लेवल से, और जिस तरह से वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, और इसी तरह सर जमील हैं और सर जमान हैं, सर उबैद, बाकी सारे टीचर्स, मैं कहती हूँ कोई ऐसा कोई टॉपिक कोई चीज़ कुछ ऐसा रहता नहीं है, जहाँ पर कमी या कोताही रह जाएगी ना, तो मैं अभी तक समझती हूँ वो हमारी तरफ से होगी, टीचर्स या अकेडमी की तरफ से नहीं, और स्पेशली हमारी कोऑर्डिनेटर, उनकी बहुत एफर्ट है। तो यहाँ अगर घरों में बैठकर हमें इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है और इस तरह की स्टडी मिल रही है, तो मैं समझूंगी हमारी खुशकिस्मती है, और अच्छे टीचर अवेलेबल होना ये एक मैं समझती हूँ कि किस्मत में बहुत बड़ा हाथ है, और अल्लाह ताला की तरफ से खास अनायत होती है। थैंक यू सरेश। तो नाउ कम बच्चों, ये आपके नोट्स हैं जो आपके सामने इस टाइम आ चुके हैं, ये देख रहे बेटा जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अभी जो आज के लेक्चर हुए, पहले मुझे बताएं उसमें कोई क्वेश्चन आपका, कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, पैटर्न समझ में ना आया हो, जो अभी आपको एक ट्रायल क्लास दी गई है इसके बारे में। EDS मीन एवरीडे साइंस नुमान बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का, लिशबा हबीब बेटा क्लियर हुई चीजें अब, यहाँ से मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूँ। नहीं जी, अब आप सब भी अनम्यूट कर सकते हैं और बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ क्लियर ना हो, यो पैटर्न की समझ आई है या नहीं आई, कैसी लगी जो आपको 15-20 मिनट्स की एक ट्रायल क्लास मिली है। गुड अभी गुड, कोई क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क, फिर हम नोट्स की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू मजर बेटा, थैंक यू, थैंक यू नुमान। चलें तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी। आरफा को आवाज़ नहीं आ रही, इसको सैरिश बताएं जरा लिख के आप रीज्वाइन करें। अच्छा जी, ये कंप्यूटर साइंस के आपके नोट्स हैं, ये नोट्स वही हैं बच्चों जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको आपकी सी में एडेड है और आपको उन्हीं ग्रुप्स में आपकी कोऑर्डिनेटर शेयर करेंगे। और इस कोर्स को भी देखें तो आपको इसको हर लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है, फंडामेंटल बेसिक से शुरू किया जाएगा ताकि आपकी बेस तक क्लियर हो। बेस आपकी इस तरह क्लियर होगी, देख रहे हैं बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, फिर आपको ये यहाँ पे देखें किस माइन्यूट लेवल तक जाता है, ताकि अगर किसी को ये भी नहीं पता न्यू फाइल कहाँ से खुलनी, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए। फिर आपको इनके MCQs मिलेंगे। ये जनाब आपके MCQs आ गए। ये देखें, ठीक है, इसी तरह करंट अफेयर का मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर दोबारा भी आपको दिखा देते हैं, करंट अफेयर में टू फाइल्स आपको मिलने जा रही हैं। एक ये जो आपके GK के क्वेश्चन है, जो ऑल टाइम रिपीटिव क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह आपको सेंड किए जाएंगे। हार्ड कॉपी के लिए आपको उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो भी फ्री डिलीवर आपको हो जाएगी। वहां नजर आ रहे बेटा, ये रहे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पास्ट पेपर भी दिए जाएंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में डैम के बारे में, जिस तरह मोहम्मद डैम और दयावीर भाषा डैम इस टाइम चल रहे हैं, उसके सवाल आते हैं, ठीक है। तो हर चीज आपको इंशाल्लाह इसी तरह ऑर्गेनाइज वे में दी जाएगी। फिर ये देखें तमाम पेपर्स के सॉल्व क्वेश्चन, वो भी आपके पास होंगे। फिर अगले सब्जेक्ट की जानब चलें, EDS की ये फाइल है, ये आपके एवरीडे साइंस के सवाल इसमें आ गए, जो आपके बेसिक एवरीडे साइंस है उससे रिलेटेड सारे। अगेन इसमें भी साथ साथ आपको बताएंगे कि आपके अगर 10 मार्क्स की वेटेज है तो कितना ज़रूरी है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इसी तरह आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और रंग बिरंगी किताबें आपको ना खरीदनी पड़े। ये इंग्लिश है तो इंग्लिश के आपको तमाम तर लेवल आपके सामने हैं। जरा देखें कि सब्जेक्ट को किस लेवल से उठाया जाता है, टेंसेस बताए जाएंगे, प्रपोजिशन बताई जाएगी, ठीक है, उसके एग्जाम्पल, उसकी एप्लीकेशन जिस तरह पेपर में आ रही होती है सेम उसी तरह आपको ये देखें। ये क्वेश्चन आप अक्सर देखते हैं प्रपोजिशन के, आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों का यूज़ करना है। ये फ़र्क होता है जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं, बुक से रट्टा लगा रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि कहाँ पे अप आना है, कहाँ पे डाउन आना है, या कहाँ पे ऑन आना है, कहाँ पे फॉर आना है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको तब क्लियर होगी जब आप फॉर्मली इन लेक्चर्स को लेंगे और आपको एक एक चीज़ मेक श्योर किया जाएगा कि चीज़ें एक एक चीज़ सही तरह डिलीवर हुई और फ्रॉम द बेस क्लियर हुई। मैथ्स का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड आप मंगवा के देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा बोर्ड पे होता है। पाक अफेयर के नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जी। पाक अफेयर इस्लामिक स्टडी के नोट्स ऐसे हैं कि उससे बाहर कभी पेपर गया ही नहीं, ठीक है। पेपर घुमाया जाता है, बाहर नहीं जाता, क्योंकि हमने उसके कोई एंगल छोड़ा ही नहीं जो हमने कवर ना किया। ये देखें आपके सिलेबस को इस तरह डिवाइड किया है। अब जैन साहब ये नहीं कि आपको यहाँ एक एक लाइन पढ़ा रहे होंगे, वो कहेंगे जिस तरह आज का मैंने लेक्चर पूरी दुनिया के लिए है, उसी तरह क्या होगा कि जैन साहब जो उनसे वो स्टार्ट करेंगे बिफोर 1947 पूरी स्टोरी की तरह आपको बताएंगे, और वो चीज़ें आप मेमोराइज कर लेंगे, आपके जेहन में रहेंगी। ऑब्वियसली जब उसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली यू विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंग। और ये कोर्स आपको CSS के MCQs के लिए भी फायदेमंद होगा, और वन पेपर के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के जो सिलेबस है वो सब में सेम ही होता है, जस्ट कोई ना कोई पूरा पार्ट चेंज किया जाता है। बाकी अगर पाक अफेयर है तो यही होना है, कोई और पाकिस्तान नहीं होना जिसकी अफेयर आ जाएंगे। तो ये सब डाटा भी आपके पास होगा, आप जब चाहें रिवीजन करना, जस्ट विदाउट एनी ट्यूशन फी, जस्ट एनरोलमेंट फी के साथ आप रिवीजन भी करेंगे, और हर चीज़ आपकी ईजी एक्सेस पे होगी। ये मेरे बच्चों पास्ट पेपर हैं सॉल्व जो आपको दिए जाएंगे, देख रहे हैं इस तरह बहुत सारे पेपर वो होंगे जो आपको पास्ट पेपर सॉल्व देंगे। दो चीज़ें आप पे लाजिम होंगी, एक रोज की चीज़ें रोज कवर अप करना, दूसरा रोज का एक पास्ट पेपर जो है वो करना, और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स यू ऑल विल बी वेल प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह अजीज टू क्लियर दिस एग्जाम। नाउ टेल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। एक क्लास आपकी कल मैंने रखी है ट्रायल क्लास, जो कि आपकी कल 9:15 से 10:15 होगी, जैन साहब के साथ जो आपको पाक अफेयर पढ़ाते हैं, वो एक ओवरऑल आपकी ट्रायल क्लास लेंगे।
और आज ही अभी भी खुशखबरी आई है कि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हेड ऑफिस लाहौर में पोस्ट हो चुके हैं। ये ने यासिर भी आ गए जी, जिन्होंने थर्ड टाइम रिवीजन की है। यासिर जरा माइक पे आए और जरा बताएं ने कि कैसा रहा है। ये स्टूडेंट्स को हमने बुलाया नहीं हुआ, ये खुद ही उस सेमिनार वाले ग्रुप की वजह से लिंक उन तक पहुंचा हुआ है। यासिर अगर माइक अवेलेबल है तो बेटा जरा बताएं ने कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा तीसरा बैच है सर। जैन साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये जस्ट रिवीजन के लिए था कि ताकि मेरी रिवीजन हो जाए, बाकी इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है। आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। सिर्फ सर जैन ही अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी नहीं अच्छा पढ़ाते हैं सर। माशाल्लाह सर आपकी तो क्या ही बात है, यानी आप बाकी तो मैं कह बस रहा हूँ सर, बाकी टीचर्स का जो नाम ले लो चाहिए। यार। तो ये देख रहे हैं जी, आपके पास एक और रिव्यू भी आ गया हमारे अपने बच्चे का, ठीक है। और ये रिव्यू इसी तरह आप भी कर सकते हैं एज मच टाइम एज यू वॉन्ट, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। ये भी नोट्स आपने देख लिए। अब मुझे बताएं आपका कोई क्वेश्चन। सर जियोग्राफी के नोट्स का थोड़ा बता दें, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, शायद आपने बताया हो पहले। ज्योग्राफी के बेटा मैंने बताया है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपका मेरे साथ है और ज्योग्राफी क्योंकि आपके करंट अफेयर और जीके का हिस्सा होता है, और ये नोट आपके पास उसके आ गए। ये सारे आपको मिल जाएंगे, आप जैसे जैसे वो दूसरे ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। जो आपके क्लास ग्रुप होगा, ये तो अभी एक जनरल सेमिनार ग्रुप है ना, इसमें जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो क्लास ग्रुप में होंगे, उन्हें ही मिल जाएंगे। इसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, और बेफिक्र रहे, आपको सिर्फ लकीर का फकीर बनवा के नोट्स के पीछे नहीं भगाना, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखें कि इंशाल्लाह हम आपको बोल के सब कुछ क्लियर करवाएंगे, बेफिक्र रहें। चलें जी, माशाल्लाह गुड, सो बेस्ट ऑफ लक। एक दफ़ा और अच्छा तो आपको सर सुनो, ये क्लास रेगुलर क्लास जो है कब से स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह मंडे से आपकी रेगुलर, मंडे और ट्यूसडे आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे। कल आपको फ्री ट्रायल क्लास दी जाएगी, ठीक है, वो जैन साहब के साथ। वो ज़रा ये कि उसके बाद एक दिन का गैप देंगे ताकि आप लोग सारे इनरोलमेंट अपने कंफर्म कर लें, ठीक है। वो अपने एडमिशन फॉर्म अभी से आप लोग फिल फुल करें, और एडमिशन कंफर्म करके ट्यूसडे से इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो बच्चों। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? और ये क्लास की टाइमिंग मतलब इवनिंग में ही होगी? इवनिंग में जी, वो ये कि आप लोग अक्सर लोग जॉब भी करते हैं, तो इसलिए 9:15 से 10:15 आपका टाइम रखा है पहले ही, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, सवा नौ सवा दस ये सर ठीक है ठीक है ना। सबके लिए सूटेबल टाइम। अभी जी। मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, जिस तरह बिलाल ने बात की। ये ज़रा इधर आए, जो आपकी प्रेजेंटेशन थी आज की, ये देखिए बच्चों। अब होता क्या है, हमारे बच्चे जब एग्जाम में अपेयर होते हैं, इंशाल्लाह आप भी इनमें शामिल होंगे, तो हमारी असल कामयाबी ये होती है स्टूडेंट्स के रिव्यूज होते हैं। ये देखें ज़रा, ये आपसे पहले जो पिछले साल के बैचेज हैं उनके हैं। टुडे आई हैव अपेयर इन एग्जाम ऑफ पीपीएससी एंटी करप्शन। हमारे माशाल्लाह 3 से 4 स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया है। वी इन अकेडमी वन प्रिपेयर हेल्प मी अलॉट टू क्लियर मैनी थिंग्स, मैनी क्वेश्चन अटेम्प्टेड आर सेम एज आई प्रिपेयर्ड हेयर, थैंक्स अलॉट, ठीक है। आई हैव अटेम्प्टेड 2 to 3 times ऑलरेडी, बट नाउ मैनी थिंग्स आर क्लियर, अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स आस्क बाई एग्जामिनर सर वेस हेल्प इन करंट अफेयर, मैनी आर सेम, सम आर डिफिकल्ट, ठीक है। तो जो वो मतलब क्लियर कट जो रिव्यूज हैं हर हर सब्जेक्ट के, हर बैच के, वो आपके सामने, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू। फी बेटा जौन सा है आपकी 6500 है, ऑनलाइन ऑन कैंपस आपकी मेरे ख्याल से 11,000 चल रही है, और उसके साथ साथ जो आप पूछ रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, वो आपको मिस बतूल से रब्ता करना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी बिल्कुल होती हैं, नीड बेस्ड भी, मेरिट बेस्ड भी। वो अलहमदिल्ला हमारा कोई बैच भी ऐसा नहीं होता जिसमें किसी नीडी को 100% स्कॉलरशिप ना दी जाए, ठीक है। तो ये तो लाजमन है, वो आप बेफिक्र रहें, वो मामला आपके मिस बतूल के साथ हैं, ठीक है। अगर नीडी हैं तो वो प्रूफ प्रोवाइड करेंगे सारा, बिल शिल ये वो, और वो प्रोसेस होके मेरे पास जब उसकी फाइल आएगी तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर मेरिट बेस है, अगर किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो भी स्कॉलरशिप मौजूद है। रही बात इंस्टॉलमेंट की, तो वो 1-2 दिन की, अगर किसी का कोई हो कि जिस तरह अब अक्सर के कोई ड्यूज वगैरह फर्स्ट से क्लियर होने के जी ये पेशे आने हैं, तो वो कोई इशू नहीं, उतना तो कर लेते हैं वो। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 2000 से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और फर्स्ट को अपना क्लियर करेंगे सब कुछ। और कोई क्वेश्चन मेरे बच्चों?
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक चीज़ पूछनी थी, ये मैंने ना लास्ट टाइम भी क्लास ली थी तो उसमें क्वेश्चन मैं नहीं कर सका और ना मैं ज्वाइन कर सका हूँ। मेरी सफ़ा इंशाल्लाह कोशिश है मैं ज्वाइन करूँ मंडे को। लेकिन सर मैंने ना एफपीएससी में ना 2-3 सीटों में अप्लाई किया हुआ है, कस्टम इंस्पेक्टर की सीटों में। सर उसका मैंने देखा था शेड्यूल, जैसे कि ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है तो उसके 3 टेस्ट हैं, पहला वर्बल है, उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर एक सर ऐसे राइटिंग भी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसे राइटिंग बेसिक इशू है, मतलब कि करंट अफेयर पे आ जाए किसी भी, लेकिन हमारे पास नॉलेज होना, नॉलेज कोई ना कोई तुम कहाँ से कहाँ बंदा पढ़ के ले लेता है, लेकिन सर एक बंदे की इंग्लिश इतनी वीक है वो ऐसे राइटिंग लिखना है, वो कैसे उसके हाल है सर जी? वो हमारी सेपरेट उसकी क्लासेस होती हैं, वही लोग जो सीएसएस को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदूस, उसी से आपकी एस ए की क्लासेस होती हैं, वो आपको बेस से लिखना ही सिखाते हैं। ठीक है, डाटा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको लिखना भी सिखाते हैं, और आप इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे कोई इशू नहीं। देखें एक कोर्स वो बेसिक है जो आपके सामने, जो मैंने अभी आपके सामने ये स्लाइड खुली हुई है, ये कोर्स मेरे बच्चों वो है जो आपका बेसिक कोर्स है ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके अलावा अगर किसी भी एग्जामिनर ये कहता है कि आपको ऐसे लिखना है, जिस तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की सीटें जैन साहब खुद जो उनसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 4th पोजीशन ले चुके हैं, तो होगा क्या, उसमें इंग्लिश और उर्दू की आपकी अलग क्लासेस हैं, इसी वजह से उसकी फ़ी आपकी 14,000 है। ठीक है, उसमें आपको स्पेसिफिकली लिखना सिखाया जाएगा। अगर आपका ये केस वो है तो वो लेदर ज्वाइन करनी है, फिर वो अलग ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसके मुजम्मिल ये तो आपने करना ही करना है ना, जो एमसीक्यूज वाले उनके लिए, उसके लिए अगर आपने इंग्लिश एसए ज्वाइन करना है तो आपने इंग्लिश एसए के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी क्लास अगर दूसरों की 1 घंटे की हो रही है, आपकी रोज 2 घंटे की हो सकती है। सर ये जो आपने फ्रंट पेज हमें दे रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं, मेन्यू बता रहे हैं कि मेन्यू के अंदर हम ये चीजें प्रिपरेशन करवाएंगे, ये तो सारी वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वर्बल क्वेश्चन के रिलेटेड है सारा। ये तो ऑल गवर्नमेंट जॉब्स का कोई भी, बिल्कुल 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 ऑल गवर्नमेंट जॉब का ये सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो आपका जो स्पेसिफिक केस है ना, जिसमें आपको ऐसे रिक्वायरमेंट्स है ना, जी जी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे राइटिंग है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे राइटिंग को क्लियर करूँ, मैं वो लिख पाऊँ। अगर देखे सर वो एक कस्टम इंस्पेक्टर का कौन सा पेपर है मुझे अभी याद नहीं, मैंने अप्लाई किया पैसे, उसमें बता रहे थे जो 3rd पेपर है ना वो आर्गूमेंट पे है कि हमने जी क्वेश्चन आएगा, मेरे ख्याल उसमें 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा हमारे पास, उस पे क्वेश्चन करंट अफेयर पे आज आर्गुमेंट देना, जैसे कि वो कह रहे हैं जो फलस्तीन का ये इशू अब जो करंटली चला है जी, इसे कैसे डिस्प्यूट किया जा सकता है? तो बेसिकली उस पेपर को मुजम्मल कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव अप्रोच से होगा पेपर आपका। उसमें बेटा होता ये है कि आपको सिर्फ ये आर्गुमेंट नहीं आते कि आपने उस पर डिस्कशन करनी होती है, एक आपकी इसमें वो वर्बल टेबल टॉक भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो आपको लिख के भी कह सकते हैं कि इस पर अपना मौकफ दें, जस्ट लाइक एक टेबल टॉक जिस तरह आप कर रहे होते हैं, उसको कैसे डिफेंड करते हैं, क्या लॉजिक है, क्या डाटा है, लिखना इंग्लिश में है, बिल्कुल मुझे इंग्लिश का इशू है, बिल्कुल। तो वो चीजें आपको सेपरेटली ज्वाइन करना पड़ेगा इस कोर्स के अलावा। उसमें अगर आप इंडिविजुअली भी हमसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, हम आपको इंडिविजुअल क्लासेस देंगे एस ए की भी, करंट अफेयर की भी, आर्गुमेंटेटिव रीजनिंग की भी। ठीक है, तो वो आपका एक सेपरेट पूरा बनेगा, एक सेपरेट टाइम जिस तरह एक इंडिविजुअल कोर्स होता है आपके लिए वो होगा उस तरह। मैं बस सर अपना यही इशू सॉल्व करवाना चाहता हूँ कि ये चीजें जो ये हो जाए, आप बतूल से रابطہ करें, वो जब मुझसे पूछेंगी इंशाल्लाह दूसरे टीचर्स के साथ आपका टाइम सेट करके आपको क्लास टाइम टेबल भी मिलेगा और आप इंडिविजुअल स्टूडेंट ट्रीट होंगे, उसके जो फीस वगैरह वो भी आपको बतूल बताएंगी। सर उसकी वैसे वो अलग सेशन होगा, उसकी फीस कितनी है? उसकी ज्यादा ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो आपका एक तो अलग होगा और दूसरा ये वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन अगर उसमें आप 3-4-5 लोग हैं एज ए ग्रुप है तो ऑब्वियसली उसके देखे ना 3-4 टीचर आपके लिए जो उनसे इन्वॉल्व होने वो ऑब्वियसली आपको उसके मुताबिक चला जाएगा। सर अभी आपकी एकेडमी में कितने सेशन चल रहे हैं जो कंटिन्यूअस हैं? देखिए हमारे इस टाइम जो सेशन चल रहे हैं, हमारे इस टाइम आप लोगों का जो सेशन है ये 27th सेशन होगा। इस टाइम सीएसएस पीएमएस के 2 बैच हमारे पास चल रहे हैं और एक ऑल गवर्नमेंट जॉब का चल रहा है और ये चौथा अब शुरू होने जा रहा है। ये प्रीवियस 1 महीने के अंदर चौथा बैच शुरू होने जा रहा है आपका, जो इस टाइम स्टूडेंट एनरोल्ड है, मतलब 100+ स्टूडेंट इस टाइम ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, इनकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ये उधर लाहौर में ऑन कैंपस क्लासेस भी हैं? ऑन कैंपस भी हैं लाहौर में, तो वो भी ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑन कैंपस अभी फिर सुन रहे हैं फिर ये बंद करने लगे जी, वो यही इशू। लेकिन ऑनलाइन भी अगर आपने आज नोटिस किया हो
आपके सामने है कि हमने इसको किस तरह डिजाइन किया है, कि आपको फर्क नहीं को लगा होगा कि ऑनलाइन है कि ऑन कैंपस है। सर यहाँ बस एक इशू होता है जूम में, वॉइस और नोट्स ये, लेकिन उसमें देखे ना, उसमें देखे ना, जो हमने ये कर दिया ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया, कि अगर होता है तो पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप टीचर से खुद इन टच है, तो वो उसके लिए सर चार्जेस भी तो लादा पे कोई चार्जेस पड़ेंगे। कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस ठीक हो गया, अंदर कोई लेक्चर नहीं समझ आता, हम वो टीचर मैम से डायरेक्ट करके हम ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप दिखाता हूं जो क्लास के चल रहे हैं, वो भी जरा देख लें आप। ठीक है, दिखा दें सर, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। जी जी सर, ये मैं अपने फोन से ही व्हाट्सएप कनेक्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक हो गया सर, अभी तक स्टूडेंट माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं सर। वैसे जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने अप्लाई किया था, उसका पेपर भी है मेरे पास, वैसे 10 दिन है सर, उसका कोई लेटर वगैरह मिल सकता है अभी, या उसका कुछ हल सलूशन उसका? आप एक बार मिस बतूल से जब बात करेंगे, फिर वो मेरे पास केस रेफर करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो सर उसका बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको पहले देखना होगा मुझे खुद भी कि उसका आपका सिलेबस क्या है। ये देखिए ज़रा, ये आपका सेमिनार ग्रुप है, ठीक है, जी। ये आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो आपसे रबते में वो हैं, ये सारे हमारे बैजेस चल रहे हैं, इसमें जो मोस्ट रिसेंट चल रहा है ये देखें, ये आ गया पीपीएससी का, ये देखिए जनरल साइंस की क्लास आखिरी शेयर की हुई, ठीक है, ये सना उस क्लास के सीआर हैं, और माशाल्लाह उसकी एक्टिवनेस की कल बच्चे तारीफ भी कर रहे थे, ये जो भी टेस्ट दिया जाए वो भी इस तरह होता है, ठीक है। इसी तरह आपका ये बैज अभी चल रहा है, ये आपको क्लास लिंक उसमें आ रहा है, ठीक है जी सर। ये स्टूडेंट की आपस में डिस्कशन जो चल रही है वो आपके सामने है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, कि ये आप देखें कि रात को आपका लेक्चर ख़त्म हुआ 10:15 और सारा ने अपलोड करके आपको 11 बजे इस ग्रुप में सेंड भी कर दिया हो जी, ठीक है। तो ये इस तरह चीज़ें चलते हैं सर। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट पास कर लेता है तो आप अलग से बाद में उसको फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए अलग तैयारी बाद में करवाते हैं, आपके अगले हर फेज की सेपरेट तैयारी आपको, और इंशाल्लाह रजीज वो वही लोग करवा रहे होंगे जो चेहरे आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यूज में देखते हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। अब मेरे पास एक मेरी वो भी कॉलीग ही रही है, अब आजकल वो लगी हुई है इसकी स्टॉक एक्सचेंज की एचआर हेड, जितना वो आप लोगों को पॉलिश करती है मैंने किसी टीचर को इतना पॉलिश करते इंटरव्यू के लिए नहीं देखा। यू कांट इमेजिन कि जिस तरह वो आपकी स्किल्स को बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, एक एक चीज आपको सिखाएगी। ठीक हो गया बिलाल बेटा, एमओटी का पेपर पैटर्न दूसरा होता है, उसमें 200 मार्क्स के एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, वो मिस बतूल से रابطہ करें वो आपको बताएंगे। जी मुजम्मल पूछें, क्या पूछ लोगे सेशन सर? ये जो चल रहा है ये कितने दिन का सेशन है, 45 का 40? ये जोन सा ये आपका जोन सा 45 दिन का सेशन है, ठीक है जी। जो आपका सेशन चलेगा वो आप मिस बतूल से बात करके सारे बताएंगे, उसके बाद टीचर्स के साथ सेट करके आपको सारा बताया जाएगा कि आपका ये सेटअप होगा, ये क्लास रूटीन होगी, इस दिन क्लास होगी, ये वो आपका पूरा टाइम टेबल आपके लिए बनाया जाएगा इंडिविजुअली, ठीक हो गया। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है जी रिश्वा, सर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगा है, मतलब जैसे कि पहली दफा ये आपको सुना है, तो सर एक बात ये है कि करंट अफेयर्स लाइक आप समझे कि हम जैसे स्टूडेंट्स ने आपके पास आना है तो हम ब्लैंक है, वो हमें कुछ ऐसी, भी नहीं पता, लेकिन ये है ब्लैंक होता है इसमें। लेकिन ये है कि अब जैसे कि डेफिनेटली थोड़ा शॉर्ट टाइम था वो भी रीजन है, लेकिन ये है कि ये अगर आप हाथ से उसको मैप को बना के या उन चीजों को अलहदा से वो करते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक एक चीज हमारे माइंड में बैठ जानी है, मतलब जब आप लेक्चर दें बकायदा। अभी अभी रिश्वा ये बेटा था आपका ट्रायल सेशन, ठीक है, अभी आपको एक रिकॉर्डिंग भिजवाते हैं क्लास की, ठीक है, उसमें चीजें आपको और क्लियर होंगी। हाँ वो हम करते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ईस्ट वेस्ट बताया है, वो अब आपको हो सकता है जल्दी में कहीं को ना समझ आया हो, लेकिन जब हम उसको मैप के ऊपर बेटा ये वही समझ नहीं आपको आया बेसिकली, बाकी आपको आ गया, ठीक है, वही आपको समझ नहीं आया वेस्ट ईस्ट का, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा नहीं है। सर बेसिकली मैं बार बार क्वेश्चनिंग इसलिए कर रही हूँ, डेफिनेटली हर बंदा क्यूरियस होता है और थोड़ा डर भी रहा होता है, क्यूरियस तो होना भी चाहिए बेटा।
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। आपको एक चीज आप 10 दफा पूछे, मैंने कहा है आज आपका टाइम है पूछने का, जब पेपर होगा तब मेरा टाइम है पूछने का, ठीक है। तो जी अभी जी आप 10 दफा डेफिनेटली पूछे यू कैन आस्क, फिर जब वीकली टेस्ट होगा तब मैंने पूछना है, तब ना क्लियर हुआ तो फिर नहीं मैंने सुनना आपसे कि नहीं हमने इसलिए नहीं दिया कि हमें कुछ आता नहीं। जी सर, जरूर सर। मैं इसलिए बेसिकली चाह रही हूँ कि आप हमें अपनी एक क्लास का लेक्चर हमें दें किसी भी सब्जेक्ट का, ताकि हमारी वो पूरी तसल्ली हो जाए और हम बेफिक्र होकर आपको ज्वाइन करें। टेंशन फ्री रहें आप, अभी आपको कुछ तसल्ली आज हो गई है। एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अभी ग्रुप में आएगा, वो सुने, और एक आपका लेक्चर कल 9:15 से 10:15 सर जैन के साथ होगा। उसके बाद मंडे ट्यूसडे आपके पास टाइम होगा फीस सबमिशन का, और फिर हम फॉर्मली अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक जी ठीक है है सर। जी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जनरली जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी होगा कि डेफिनेटली हम डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं, कभी एनटीएस तो कभी एफपीएससी, तो ज्यादातर तो यही कहते हैं जी सिफारिश चलती है, ये होता है वो होता है, और मतलब सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। आप जैसे कि एफआईए किए हैं तो तकरीबन सुनने में आया कि 7-8 लोगों ने अप्लाई किया है, इतने स्टूडेंट्स ने, और सीट्स आप देखें तो असिस्टेंट की 1 है और एएसआई की 11 है। तो सर आप क्या समझते हैं, डेफिनेटली टीचर्स जो है, मैं समझती हूँ कि गाइड करने के लिए और सारी मेहनत जो है ना वो स्टूडेंट की अपनी होती है, उसने कितना तैयार किया वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि हम जैसे स्टूडेंट्स की एलोकेशन हो सकती है, हम उम्मीद और यकीन रखें? रिश्वा बेटा, मेरे पास वो भी लोग आए हैं जिनके 33 नंबर आते थे जब पहली दफ़ा पेयर होते थे, और वो लोग वो हैं जो 70s क्रॉस करके गए हैं। देखें, पहली एफर्ट टीचर की होती है, स्टूडेंट की बाद में होती है। अगर हम आपको डिलीवर सही कर रहे हैं, अगर इनपुट अच्छा है तो ऑब्वियसली आउटपुट ज़रूर अच्छा आएगा। आपका काम ये कि पूरी नियत ईमान से, पूरी मेहनत से उसकी प्रोसेसिंग इस तरह करें कि उसमें कसर कोई ना छोड़े, ठीक है। पहली बात तो ये कि एफर्ट होगी थ्री अप्रोचेस के साथ। फर्स्ट वी विल यू कैन से, जो हम एफर्ट करेंगे, हम आपको इनपुट अच्छा देंगे, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आप मटेरियल किसको कंसल्ट कर रहे हैं। अगर हम आपको किसी एक आउटडेटेड किताब पे लगा देते तो शायद आपका भी वही हाल होता जो दूसरे स्टूडेंट का होता है। हमारा CSS, PMS इवन और बाकी तमाम जॉब में जहाँ से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बच्चों, वो यहीं से हो रहा है कि हमारा स्टूडेंट इस तरह प्रिपेयर्ड हुआ होता है हर डायमेंशन से कि उसे कोई इशू ही नहीं आ रहा होता, जी सही। ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं, आप बेफिक्र रहें। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, जो कल वाली क्लास है वो क्या इंग्लिश पे दे सकते हैं? इंग्लिश पे? यार इंग्लिश पे क्लास है वैसे ले रहे ना, कहना मिस मतून को आपको इंग्लिश क्लास में ऐड कर दे, इसमें क्या, क्योंकि कल ठीक है वाली तो सर बाकी सबके लिए होनी है ना। इंग्लिश की CSS की क्लासेस चल रही हैं, आप किसी के साथ जी। क्लास ले रहे ना, उसमें क्या कोई इशू नहीं है सर। सर उनको फिर कैसे आपका नेम ले दें? ठीक आप उन्हें कह दें, वो खुद ही मुझसे पूछेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा, कोई इशू नहीं इसमें। हो गया। और सर एक चीज थी, मेरे एक दोस्त है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लगे हैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, कसूर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के अंदर है। तो मैं ना उनसे मिला था, तो एक बात उन्होंने मुझे की थी, मेरी फील्ड केमिस्ट्री है, साइंस के रिलेटेड है। मैंने अप्लाई किया था असिस्टेंट डायरेक्टर पे, तो वो मुझे एक बात उसने बताई करता कि टेस्ट हर क्लियर हो जाता है, टेस्ट का इशू नहीं होता, कोई भी वर्बल टेस्ट है, कोई भी गवर्नमेंट का जॉब है क्लियर हो जाता है। लेकिन कहता जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, सबसे पहले आपकी स्पेशलाइजेशन देखी जाती है, बेसिक देखी जाती है कि आपकी ये फील्ड इसके रिलेटेड है कि नहीं। अब म्यूनसिपल कमेटी का हाँ हमारी फील्ड से क्या लिंक सर, कोई लिंक नहीं मुजम्मिल बहुत बनता अच्छा एक क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये तो। टेस्ट सबका क्लियर नहीं होता। CSS का आपके सामने है कि 14,000 लोग पेपर देते हैं, 21,000 लोग अप्लाई करते हैं, और टेस्ट 400 बंदे का क्लियर होता है। जितनी भी सीटें अच्छी तगड़ी सीटें हैं उनमें पासिंग रेशियो जो सी वो 10% से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरव्यू में। देखिए इंटरव्यू में एक जिस तरह एफआईए की जॉब है या आप म्यूनसिपल कमेटी की, जिसमें जनरल कैडर लिखा होता है, जनरल कैडर का कोई ताल्लुक नहीं किसी भी स्पेशलाइजेशन से, क्योंकि जनरल कैडर का मतलब ही जनरल कैडर है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की आप बात करें तो मेरे बच्चों आपने जो कुछ पढ़ा होता है, मैं इस फील्ड में, मुझे 10 साल मैंने सर्व किया है डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे, यूएन के साथ भी, यूएसएड के साथ, स्टेट बैंक के साथ, PND के साथ, मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं जिसके साथ वहां ना पड़ी हो। यकीन करें कि वो सब कुछ आपका अप्लाई नहीं हो रहा होता जो आपने पिछले 16 साल पढ़ा है। अगर मुझसे पूछे प्रैक्टिकल नॉलेज, तो मैंने वो PhD पब्लिक पॉलिसी और जो MS मैंने किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उससे लिया था जो अप्लाई हुआ। बाकी आप अगर ये कहें कि जी कोई मैटर कर रहा होता है, कुछ मैटर नहीं कर रहा होता, काम
आपकी स्किल्स पे मैटर करता है और स्किल्स आपकी डेवलप होती है इन्वायरमेंट से। सर देखे ना, उसने मुझे एग्जांपल भी दी थी अपने दोस्त की, कहता है मेरा दोस्त है उसने डीवीएम किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ अटर्नी साइंसेज मत किया हुआ है, लेकिन वो सर ये बता रहा था कि उस मेरे दोस्त ने कई ऐसे टेस्ट पास किए हैं पीपीएससी के एफपीएससी के काफी करता, लेकिन हमेशा इंटरव्यू पे आकर आ जाता है, उसे एक ही बात होती और रीजन पता क्या बात की। अब एक खुद देखे ना, एक बंदा डंगर डॉक्टर है, ठीक है ना, और वो अप्लाई कर देता है असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए एफआईए का या एंटी करप्शन का, जबकि उसकी कैटेगरी में जो डीवीएम है इसको इक्विवेलेंट उस तरह कंसीडर नहीं किया जाता आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन से। अगर उसकी डीवीएम के बरक्स मुजम्मिल अगर उसकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में डिग्री होती तो कम से कम डिग्री का नाम तो वो होना था कि सबको ये तो कहता मेरी बीएससी है, वो तो बेचारा वहां बैठ के ये भी नहीं कह सकता मेरी बीएससी है। सर देखिए मोस्टली ना कोई भी फील्ड है ना कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें ना पीपीएससी अक्सर एडवर्टाइजमेंट देती है तो उसके अंदर ना लगा देती है जी असिस्टेंट की सीट है उसमें अप्लाई करना, हमने आगे दे दीजिए रिक्वायरमेंट दे जाती है जी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जनरल वो कहते हैं जी आपने रिकॉग्नाइज डिग्री की हो बैचलर हो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से बस रिकॉग्नाइज हो अच्छी से, ठीक हो गया, मोस्टली ये लिखा होता है असिस्टेंट ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है। असिस्टेंट की सीट अब सब देखे ना उसमें ना जा तो आईटी के रिलेटेड बंदे आ जाते हैं, जा आईकॉम के रिलेटेड जा बीकॉम इस तरह के लोग अभी खुद सोचे ना, अभी खुद सोचे ना कि वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनकी फील्ड कंपैरेटिवली डंगर डॉक्टरों के निस्बत ज्यादा इस तरफ अटैच हो रही होती है। सर मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ, मेरी केमिस्ट्री है लेकिन मेरा नहीं डॉक्टर नहीं है सर, आप केमिस्ट्री जरूर है पर आप डंगर डॉक्टर नहीं है। नहीं वो उसकी मैंने एग्जांपल दी है, मैंने सिर्फ अपनी सिर्फ आईटी वालों के रिलेटेड वो जो असिस्टेंट की सीट है मैं अपनी फील्ड से रिलेट कर रहा हूँ केमिस्ट्री की है। देखिए मेरे अगर मुझसे पूछे ना मेरे बच्चों मुझसे अगर पूछे तो पहली बात मैं ये करूंगा कि आप में से वो लोग जिनकी डिग्री के 16 या 18 साल की है ना, मैं उनके लिए चाहूंगा कि मेरे वो बच्चे कम से कम ग्रेड 16 से ऊपर ही ज्वाइन करें, मिनिमम 17 ग्रेड हो नंबर एक, ठीक है। नंबर दो जो आप बात कर रहे हैं, जब आप पहुंचते इंटरव्यू पे तो हम आपकी स्किल सेट को ऐसे डेवलप करेंगे कि कुछ चीजें वो हैं कि जो वैसे आपकी पर्सनालिटी में गैप हैं भी वो ओवरकम हो जाए। केमिस्ट्री वाले को करंट अफेयर का नहीं पता होगा, वो मार कहां से खाता है मैं आपको बताता हूँ ना, वो जान के क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री का नहीं करेंगे, वो करंट अफेयर का करेंगे, वो आपसे वर्ल्ड अफेयर के बारे में पूछेंगे, जब आपको नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली मार खाएंगे। सर एक बात है, ये बात ठीक हो गई, अगर वो जी मैं मेरी रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जिसकी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री है, अच्छा मेरी केमिस्ट्री ब्रांड सब्जेक्ट है एक नाम है और वैसे एक्सपैंड है काफी केमिकल रिएक्शन वगैरह कोई भी, वो ना मुझसे करंट अफेयर का पूछे ना वर्ल्ड का पूछे ना हेडक्वार्टर किसी का भी नहीं पूछते, वो जस्ट उठाते केमिस्ट्री से है वहां से। मजे की बात बताऊं आपको, वो तब पूछेंगे जब उनमें से किसी का बैकग्राउंड केमिस्ट्री का होगा। ये एक रिनाउंड फैक्ट, जिसका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का होगा ना जो कि एग्जामिनर में से बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो पूछेंगे। वैसे ऑब्वियसली वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी फील्ड में जिस तरह जनरल कुछ चीजें चल रही हैं, इंटरव्यू का हमें पता नहीं, इंटरव्यू अगेन एक पूरी साइंस है, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि सवाल से सवाल कैसे निकलता है। आपने देखें याद रखें एग्जामिनर का दिमाग खुद आप मोड़ सकते हैं, इतनी आपके पास सवाल का जवाब ही दूसरी तरफ ले गए आप, ठीक है, आपसे केमिस्ट्री का वो उतना ही सवाल करेगा जितना उसका नॉलेज है। बात समझ में आती है सर? वो तो बात ठीक है ना, कोई एक अद्धा बंदा पसंद आ गया उन्हें तो फिर रगड़ देना ना जिन्हें मेहनत की थी, बेफिक्र हो जाए, टेंशन फ्री रहे। जब वो इमरान खान जैसे आपको कहता है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, मेरे पास घबराना नहीं और सुकून कब है, वो स्टेज जब आपकी आएगी ना तब आपको पूरा, क्योंकि अभी बात हो रही है, क्योंकि ये बाकी सारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं वन पेपर के हवाले से, आपको सेपरेटली जब मैं उसके बारे में जब आप उस स्टेज में पहुंचेंगे ना तब हम आपको जब उस एंगल में प्रिपेयर करेंगे, बेफिक्र हो जाए, आपको बात करना सिखाएंगे, बात को घुमाना सिखाएंगे, आपने कैसे घुमाना। सर आप इंटरव्यू का कितना चार्ज करेंगे? इंटरव्यू के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जी उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो एक जनरल सेशन होंगे जो प्रिपरेटरी सेशन होंगे जो बेसिक होंगे, जो उसके अलावा जरा बिल्कुल ही फारग हैं जिनके लिए हमें एफर्ट करनी है वो उनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, कईयों के 10,000 होते हैं, ठीक है, कईयों के वो जिस तरह सीएसएस के इंटरव्यू के 30,000 चार्जेस चलते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन के मतलब जिस तरह लिशवा जैसी कोई स्टूडेंट है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ चार्ज किया जाएगा, जितने सवाल लिशवा ने कर लिया आधा इंटरव्यू तो हमारा कर लिया आज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं सर? ठीक सर जी, ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं सर जी। इंटरव्यू के अंदर जो है वो इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप आते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं। आप हमारा पुराने स्टूडेंट तो नहीं है? क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बैकग्राउंड, जो पैनल बैठा हुआ पैनल के अंदर लोगों का बैकग्राउंड कैसा है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, वो किस तरह के एंट्रेंस आपकी किस तरह की है, आप बैठे कैसे हैं, ये सारी चीजें होती हैं सर जी। वही बात मैं अभी मुजम्मिल को समझा रहा था कि ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। हमारा, आप हमारे पुराने स्टूडेंट तो नहीं है सर जी? सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट देख रहे, मैंने आपकी आवाज पहचान ली। हमार अब मिशेल जारा भी आई है, और मिशेल जारा भी मेरे ख्याल से हमारी सीएसएस की पुरानी स्टूडेंट है। हमारा कैसा था आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? सर जी अच्छा एक्सपीरियंस था, यानी आपको यहाँ ना पका पकाया हर जगह मिलता है, लेकिन बात थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। हाँ जी, वो बस उसके लिए आपको टिप्स भी मिल जाती हैं, सारा कुछ मिल जाता है। इट्स अप टू स्टूडेंट के वो कितना जो है ना अब्सॉर्ब कर लेता है सर, बस। गुड गुड गुड। मिशेल जारा आप सीएसएस वाली ओल्ड स्टूडेंट हैं या कोई न्यू स्टूडेंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिशेल, क्या हाल है, खैरियत से आप? जी सर, आप बताएं क्या हाल है, तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, आपकी आज देख रहे हैं मिशेल से मुलाकात होनी थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्टूडेंट और अपने बैच में माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो उनसे थी, लास्ट ईयर सीएसएस के बैच की स्टूडेंट थी। अल्लाह ताला ने कामयाब करे, एक महीने बाद इनका रिजल्ट आने वाला है और आज इनसे हमारी रफाकत को पूरा साल हो चुका है। जी सर, सर दुआओं में याद रखा जरूर करे। जरूर मिशेल, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे, अच्छे नसीब करे, खुश रहो बेटा। FIA ने कुछ सिलेबस अनाउंस किया है सर? FIA के जनरल सिलेबस तो वही होना है जो सबको पता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली भी अनाउंस नहीं किया, वो कर देंगे और दो चार दिनों में, ये मंडे ट्यूसडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर ये VU के थ्रू ही है इनका टेस्ट? ये अभी देखते हैं क्या बनता है, ये अभी फाइनल नहीं, आपको ये मंडे ट्यूसडे तक फाइनल हो जाएगी। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मुझे ये पूछना है सर, मैं तंग तो नहीं कर रही आपको? नहीं, कोई तंग नहीं कर रही, पूछे। सर बेसिकली मैं जहाँ जहाँ से जिन इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है, मेरी ये बचपन की हैबिट है जो मेरे घर से ही मुझे मिली है क्वेश्चनिंग की। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, क्वेश्चनिंग की नहीं, आप उन स्टूडेंट्स में शामिल होंगे जो कल को हमारी फैकल्टी में ऐड होंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको आज ही कह सकता हूँ। सर ये आपका ज़र्फ़ है, दूरंदेशी है, और अल्लाह करे हम इस काबिल बन सकें इंशाल्लाह। मुझे पता है ना कि हमारा तक ये सना है किस तरह की निकलेंगे। मिशेल माशाल्लाह खुद यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पहले दिन ही जज कर गए थे कि ये किस स्टेज तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूछते नहीं आप सीखते नहीं है, और जो पूछ रहे हैं इसका मतलब है वो सीख रहे हैं। जी सर, हम भी आपके पीछे पीछे ही हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पहुंच जाएं। सर मुझे ये पूछना था कि ये पीपीएससी की लेक्चरशिप की मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरे हाथ से अक्टूबर के मंथ में आई थी। रिश्वत इसकी रिकग्निशन अप्रूव हो चुकी हुई है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब ये वेट है, एकदम ही अब आपके एग्जाम आने हैं, वो आपके आना शुरू हो जाए। यू कैन से आज 19th है, वो आपके फर्स्ट से आना शुरू हो जाएं, वो आपके 15 से आना शुरू हो जाएं, बट दीज आर नियर, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, अब ये सारी चीज़ें नज़दीक हैं, क्योंकि बहुत सारी हायरिंग पेंडिंग है, डिपार्टमेंट्स में लोग नहीं हैं, इनको लोग चाहिए और ये जल्द हायरिंग होने। सर उसके लिए आप क्या समझते हैं अगर हम तैयारी करना चाहें, क्योंकि उसमें मेरे हाथ से 70-80% आपका कोर्स कंटेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कौन सा सब्जेक्ट में अप्लाई किया हुआ आपने? सर अभी तो अप्लाई करना है ना उसमें। हाँ, करना है। अच्छा, अभी अप्लाई नहीं, एक पहले भी आई थी ना पीपीएससी की लेक्चरर, उसमें तो अप्लाई नहीं किया हो, इसलिए मैं आपसे एडवर्टाइजमेंट का पूछ रही हूँ। जो पीपीएससी की लेक्चरर की पहले आई थी ना बेटा, उनके भी एग्जाम अभी तक पेंडिंग है। सॉरी सर, मैंने लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया था, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, तो उसके लिए जो आपका कोर्स रिलेटेड होगा, जो आपका बैकग्राउंड है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। लास्ट जो पीपीएससी की आई थी पिछले साल, उसमें भी हमने जो 4-5 मेजर थे उन सारों को ओपन किया था, सबकी प्रिपरेशन करवाई थी, आपकी भी इंशाल्लाह होगी। इस्लामिक स्टडीज तो बच्चे मेरा सब्जेक्ट है,
और आपके सामने मौजूद है इंशाल्लाह, व्हाई नॉट इस्लामिक स्टडीज? नो सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको पता होगा कि मतलब कब तक आती हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम उसको प्रिपेयर कर सकें। डेफिनेटली आप जो कोर्स करवा रहे हैं उसमें भी तैयारी होगी। उसमें बेटा जो आपका जो है ना वो टीचर वाले, उसमें आपकी जस्ट लाइक स्पेशलाइजेशन, आपकी बैकग्राउंड क्या है मुझे पहले ये तो बताएं, ग्रेजुएशन किसमें आपकी? सर मेरी ग्रेजुएशन साइंसेस में है। कौन सी साइंसेस, मतलब किस, कहां से डिग्री की, लास्ट डिग्री की आपकी? सर मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीएससी की है साइंसेस में, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, और मेरा मास्टर्स जो है वो आईटी में है। आईटी, वेरी गुड। यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप आईटी में भी कर सकती हैं और अपनी केमिस्ट्री साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप उसके मुताबिक प्रिपेयर करवा जाएं। हाँ, ऑप्शन होता है इसमें, क्या जो डिग्री शो करवा रहे हैं उसके मुताबिक आप कर लेंगे। अगर आप कर रही हैं मास्टर्स की बेस पे, यानी कि 16 साल एजुकेशन की बेस पे आप कर रही हैं और आप करना चाहती हैं केमिस्ट्री और जूलॉजी में, तो आप अपनी जो 18 साल वाली डिग्री है वो दिखाएंगे ही नहीं, और दूसरी जगह आप अपनी आईटी की डिग्री शो करवा देंगे। सर मुझे ज्यादा इन्फो नहीं है, मैंने जस्ट एनटीएस में एक दफा अप्लाई किया था तो वो मेरा नहीं, मैं क्वालिफाई कर सकी। इंशाल्लाह जब वो स्टेज आएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया हुआ है, तो काइंडली थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये पेपर पैटर्न क्या है इनका? फिलहाल बेटा आपका जो पेपर पैटर्न है वो 200 मार्क्स के एमसीक्यूज है, ठीक है? ये जो अभी आपके सामने यहाँ सिलेबस खोला भी हुआ था वो आपका ही था, उसके अंदर ये सारी डोमेन कवर होनी है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डबल ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी जो फीस है अभी वो होगी 16,000 रुपीज, इसमें आपको इन तमाम डोमेन्स की तमाम पेपर्स की तैयारी करवाई जाएगी। आपका सिलेबस दूसरों से डबल है, सिंपल। अच्छा ठीक, तो सर ये अगर नोट्स हार्ड फॉर्म में अगर हमें चाहिए होंगे तो फिर फीस कितनी बन रही है आपकी? नोट्स हार्ड फॉर्म में पता नहीं मुझे उसकी एग्जैक्ट चार्जेस तो नहीं पता, वो 3,000 रुपए के होंगे मेरे ख्याल से, वो आपको मिस बतूल से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो आपको नोट्स करवा देंगे उसके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा सजेशन यही है कि अलिशबा जिस तरह कह रही थी क्वेश्चनिंग का, तो किया करे, बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। सर सभा वो उनसे सभा को देखना जी सर, और सब सभा भी फैकल्टी में ऐड है। सर सभी से रिक्वेस्ट है कि कल वाला लेक्चर अटेंड करें, सर जैन साहब आपको पता चलेगा कि किस तरह उनका वे ऑफ टीचिंग है, तो बाकी इंशाल्लाह। इसलिए कल भी आपका लेक्चर रखा है बच्चों, आप उसे इजीली अटेंड करें, फिर आपकी नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट है। और लास्ट डेट आपकी एफआई की एक्सटेंड हुई थी, 21 हो गई थी, मंडे तक लास्ट डेट है, ठीक है? और दूसरा सवाल आपने मुझसे क्या किया अभी इस्लामिक स्टडी वाला, तो बेटा वो तैयारी मैंने ही आपको करवानी है, ठीक है? तो उसके लिए आप मिस बतूल से रابطہ करें, वो आपको सारा उसका बताएंगी कि इंडिविजुअल सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर मेरा ना लास्ट सेमेस्टर है बीबीए में कर रहा हूं, तो हमारे 26 को जो है ना एग्जाम्स हैं लास्ट सेमेस्टर के, तो मैंने एफआई में अप्लाई करना है, तो कर सकता हूं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑनलाइन ही होगा अप्लाई? ऑनलाइन ही अप्लाई होगा ना, उसमें आपकी डिग्री की लगनी है, जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको चाहिए, ठीक है? अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसकी जगह आपका कोई ना कोई 7 सेमेस्टर तक के ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास हो गए ना, वो लगा के अप्लाई कर दें। जब ये डॉक्यूमेंट डेफर करके आपको दोबारा मांगे तब 8वें सेमेस्टर की दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एक बड़ा लंबा सेशन आपके साथ रहा, इंशाल्लाह सी यू इन योर फॉर्मल क्लासेस नाउ, एंड आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब। सर सॉरी एक क्वेश्चन है, ये है कि आप लोग CSS और PMS की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं? ये कसूर होता है लेट ज्वाइन करने का जो होता है, और वो मिसाल सुनी सारी रात रोते रहे, मरा कोई भी नहीं। नहीं सर मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन असल में शोर की वजह से बात कोई चीज समझ आ रही थी। अच्छा, ये मिशेल ज़ारा जॉनसन है जो अभी आपके पास यहाँ पे आई भी, मिशेल मौजूद है, ये हमारी लास्ट ईयर CSS की स्टूडेंट है। तो मिशेल आप जरा खुद बताएं कि CSS की क्लासेस कैसी रही हैं, CSS के सेशन अभी भी चल रहे हैं बेटा हमारे?
जी सर, काफी अच्छा रहा है। और मुझे अब जो है पीएमएस हमारा रिसेंटली कल ही बल्कि ना उसका स्क्रीनिंग टेस्ट था, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी ज्यादा, मतलब इतनी अच्छी तरह प्रिपरेशन मेरी इस एकेडमी में हो चुकी थी ना। और मेरा पहले मतलब कुछ भी मुझे नहीं आता था, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने मुझे बिल्कुल जीरो से जो है ना वो स्टार्ट मैंने लिया है सब कुछ। अब मैं ऐसी हूँ कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद सेल्फ स्टडी जो है ना। अल्लाह का करम होता है मिशन। और आपको मजे की बात बताऊं बच्चों, मिशल साउथ पंजाब से बिलोंग करती हैं और मैंने मिशल को पंजाबी रखवाई है और इंशाल्लाह मिशल उसमें भी 80 प्लस जाएंगे। सर केपीके से पंजाबी मेरा सब्जेक्ट, सॉरी केपीके से, मतलब वही आके पंजाबी का एरिया ही नहीं है और पंजाबी रख के इंशाल्लाह पंजाबी में आपको 80 प्लस नंबर लेके दिखाएंगे मिशल इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा एक बताए सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पीएमएस और सीएसएस में पहले अटेम्प्ट किसकी करनी चाहिए आपके ख्याल में? जो पहले आ रहा हूँ, जो पहले आ रहा हूँ, देखिए आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी पीएमएस का तो टाइम आपके पास नहीं है, आप सीएसएस की अटेम्प्ट करें फरवरी में, सेशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं अभी और भी चल रहे हैं, उसके बाद आप जो उनसे नेक्स्ट मार्च में जो अटेम्प्ट है वो पीएमएस की अवेल करें। अच्छा, मतलब जिससे पहले आप 6 महीने तैयारी को दे सकते हैं उसको अपने अटेम्प्ट पहले कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जुबैर का सवाल है बेटा, आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 7 सेमेस्टर तक की मिल जाएगी आपको, वो 7 सेमेस्टर तक की आप एक दफा अप्लाई कर दें उस पर, वो आपको डेफर करेंगे कि आपको 8वें सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो तब तक आ चुकी होगी, आप वो तब भी दे चुके हो। सर इसकी अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर आएंगी किसकी? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहा, 7 सेमेस्टर आपके हो चुके हैं ना, वैकेंसीज हैं जो एफआईए की वो नेक्स्ट ईयर आएंगी? वैकेंसीज नहीं नहीं, ये जरूरी नेक्स्ट ईयर, पहले भी आप देखें अब आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी, अभी नहीं हो रहा 2-3 महीने बाद और आ जाएंगे। अच्छा फिर आ जाएगी, सही, ठीक है। तो चलें बेस्ट ऑफ लक जी, अगली क्लास का टाइम हो गया तो इंशाल्लाह कल आपका 9:30 पे सेशन होगा, मिस बतूल आपको ग्रुप में ही बता देती है अभी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।